दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ यमा की तरफ से आने वाली R15 V4 का फाइनेंस डिटेल। मंथली ईएमआई कितनी आपको देनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है। काफी अच्छा ऑफर आप लोगों के लिए आया हूँ 2024 में। आप इस बाइक को कैसे फाइनेंस करा सकते हो आसानी से, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप किसी बाइक या किसी अदर प्रोडक्ट के लिए फाइनेंस कराते हो, तो सिविल स्कोर कैसे इम्प्रूव करे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ के फाइनेंसर से जो यहाँ टीम से उनसे मिल लेते हैं। मैम आपका गुड नेम? शिल्पा। ओके, आप किस बैंक से फाइनेंस करते हो? आईडीएफसी फर्स्ट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो कि काफी पॉपुलर बैंक है, आजकल जानी जाती है अपने ऑफर के लिए। तो सबसे पहले आप मैम ये बता दो, अगर कोई फाइनेंस के लिए आपके पास आता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो कैरी करे, क्या लेके आए? सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, दो डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। पैन कार्ड आधार कार्ड, ये आई थिंक उनके लिए रहने वाला जिनका यहाँ पे घर है, राइट? यस, ओन्ड हाउस है तो उनके लिए पैन कार्ड आधार कार्ड, अगर रेंट पे रहते हैं तो रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट लगेगा। कितने महीने का होना चाहिए पुराना? थ्री मंथ्स। थ्री मंथ का कम से कम होना, वन मंथ भी चलेगा, वन मंथ भी चलेगा, लेकिन ट्राई करें ज्यादा पुराना होगा ज्यादा अच्छा होगा। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोगों ने जान लिया है, अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस। तो इसमें देखो भाई काफी सारे वेरियंट है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कलर वाइज इसकी प्राइस है, पहले जो बेस मॉडल है उसमें आपको दो कलर मिल जाते हैं, एक आपको मिल जाएगा ये रेड कलर, दूसरा आपको मिलने वाला है ब्लैक कलर। उसमें नॉर्मल जो अदर मॉडल है R15 से उसमें सिर्फ एक ही चेंज रहने वाला है कलर का, दूसरा क्विक शिफ्टर का नहीं मिलता है इसमें। सबसे पहले मैं आपको इन सबकी प्राइस बता देता हूँ। जो रेड कलर है बेस मॉडल है, इसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ती है मुंबई की 2,23,000 रुपए। इसमें आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है। इसके ऊपर आता है ब्लैक कलर, सिर्फ कलर का फर्क है, उसमें भी आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगा। उसकी ऑन रोड प्राइस मुंबई की पड़ने वाली है दोस्तों 2,24,000 रुपए, 1,000 का फर्क रहने वाला है। उसके ऊपर हमारे तीन कलर आते हैं, पहला आपका आ जाएगा व्हाइट कलर, दूसरा आ जाएगा ब्लू कलर, तीसरा आपका आ जाएगा ग्रे एंड पिंक कलर व्हील है उसमें। उसकी ऑन रोड प्राइस मुंबई की आपको पड़ने वाले 2,28,000 रुपए। तो हम उसी टॉप मॉडल पे कैलकुलेट करने वाले हैं, उसी पे आपको मंथली ईएमआई का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये डाउन पेमेंट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप बता दो कम से कम कितने डाउन पेमेंट पे आप फाइनेंस कर दोगे? 30,000। तो 30,000 पे मैम आप बता दो मंथली में कितनी आएगी? वन ईयर के लिए, वन ईयर के लिए 18,821। टू ईयर के लिए 10,327। ओके, थ्री ईयर के लिए 7,521। ओके, फोर ईयर के लिए 6,097 रुपीज। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है यहाँ पे? 10.99। ओके, तो अभी थोड़ा डाउन पेमेंट और बढ़ा देते हैं, चलते भी हम 50,000 पे। तो वन ईयर के लिए मंथली में कितनी आएगी? 16,963। ओके, टू ईयर के लिए 9,321। थ्री ईयर 6,791। फोर ईयर 5,515 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा यहाँ पे? 10.99 सेम रहेगा, मैं मेंशन कर दूंगा। और अभी हम थोड़ा डाउन पेमेंट और बढ़ा देते हैं, चलते हैं 70,000 पे। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है? 70,000 पे भी सेम सेम रहने वाला है। तो मंथली ईएमआई कितनी आएगी वन ईयर के लिए? 15,130 रुपीज। टू ईयर 8,309। थ्री ईयर 6,051। फोर ईयर 4,914 रुपीज। ओके, अभी हम चलते हैं थोड़ा डाउन पेमेंट बढ़ा देते हैं 90,000 पे। यहाँ पे आपका फायदा मिल जाएगा, आपको नो एचपी स्कीम मिल जाएगी, राइट? और साथ में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होने वाला है। नो एचपी स्कीम का मतलब क्या होगा कि उसमें आपका जो बैंक का नाम लिखा रहता है आरसी बुक पे वो नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपका दिखाएगा आपने कैश में बाइक ली है। और उससे फायदा ये भी होगा, लास्ट में क्या होता है जब हमारी मतलब सारे लोन कंप्लीट होते हैं, एनओसी मिलती है, देन हम जाते हैं आरटीओ में वो बैंक का नाम हटवाने के लिए, तब हमें 1500 या 2000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है उसके लिए, तो वो भी आपका बच जाएगा। तो नो एचपी स्कीम का फायदा ये हो गया। और दूसरा नंबर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पड़ने वाला, उसके लिए आपका 90,000 डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो 90,000 डाउन पेमेंट देते हैं, मंथली में कितनी आई है? 12,984। ओके, टू ईयर के लिए 6,995 रुपीज। थ्री ईयर के लिए 5,013 रुपीज। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार बता दो यहाँ पे? 8.49 का रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम हो रहा है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना। अभी थोड़ा डाउन पेमेंट और बढ़ा देते हैं, चलते हैं 110 पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी नो एचपी स्कीम मिल जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहने वाला है। मंथली में ही बता दो मैम, 12 मंथ्स के लिए 11,178 रुपीज का, एंड 24 मंथ्स के लिए 6,020, 36 मंथ्स के लिए 4,314 का। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, मैं मेंशन कर दूंगा। अभी डाउन पेमेंट और बढ़ा देते हैं, 150 बता देते हैं, वैसे मोस्टली कोई देता नहीं, लेकिन इसका बता देते हैं आप लोगों को, कोई कोई आ जाता है। इसमें वन ईयर के लिए मंथली में कितनी आएगी? 7,549 का। ओके, टू ईयर का? टू ईयर्स के लिए 4,069। ओके, थ्री ईयर का? थ्री ईयर्स के लिए 2,915 का ईएमआई। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा 8.49। तो यहाँ तक आप लोगों जान लिया। और बेस्ट डाउन पेमेंट की बात की, मेरे हिसाब से आपको 90,000 के आसपास देना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको नो एचपी स्कीम मिल जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगने वाला है। नहीं तो उसके बाद में अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है तो आप कम पे करके दे सकते हो, क्योंकि सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही लग रहा है। तो डाउन पेमेंट ईएमआई के बारे में आप लोग जान चुके हो, और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोग 150,000 डाउन पेमेंट दो, कम से कम 90,000 1,00,000 देके भी इस बाइक को ले सकते हो, ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आपका पुराना, अगर
अगर आप लोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले आपका अगर लोन कोई चल रहा है तो क्लियर करो एंड चेक बाउंस मत होने दो, मतलब टाइम टू टाइम अपना ईएमआई भरो। सेकंड की बात आप करने की बात करें, आप सेटलमेंट कभी मत करो एंड जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है वहाँ पे आपके सरनेम एंड जो आपका नाम होता है पेरेंट्स के वो सब एकदम सेम टू सेम मैच होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। वैसे आजकल देखा जाए तो सरनेम एंड अदर चीजों की प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि बायोमेट्रिक का जमाना आ गया, लेकिन फिर भी आप अगर आप क्लियर रखोगे ज्यादा अच्छा होगा। एंड सेटलमेंट के जैसे मैंने बताया, सेटलमेंट गलती से मत करना, ईएमआई आपकी बाउंस भी चलेगा लेकिन सेटलमेंट मत करना, वो आपका कॉल आना मैसेज आना बंद हो जाता है लेकिन वो आपका हमेशा लाइफ टाइम दिखाता रहता है। मेन यही बातें हैं दोस्तों, और बाकी आपका बैंक में ट्रांजेक्शन थोड़ा बहुत होते रहना चाहिए बस, बाकी कुछ जरूरत नहीं, मैंने सारी जानकारी आपको बता दी है। बाकी शोरूम की कॉन्टेक्ट डिटेल एंड एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, और आप लोग थैंक यू जरूर बोलना मैम को, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में आने के लिए। मिलते हैं इस वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।